रेडियस ऑफ कॉमन इंटरफेस ऑफ बबल्स के अंदर ये बताया गया है कि अगर आपके पास दो बबल्स हैं, एक ये बबल है, एक ये बबल है, और दोनों बबल्स आपस में कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है, ऐसे आ गए। अब ये जब ये दोनों कॉन्टैक्ट में आएंगे ना, तो इनका जो इंटरफेस है, बाउंड्री है, वो ऐसी नहीं रहेगी। ऐसी इसलिए रहेगी क्योंकि छोटा रेडियस का मतलब ज़्यादा प्रेशर, क्योंकि प्रेशर होता क्या है, 40/R। आर डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, तो छोटे बबल का प्रेशर ज़्यादा होगा, बड़े बबल का प्रेशर कम होगा। छोटे का प्रेशर ज़्यादा होगा, बड़े बबल का कम होगा, तो यहाँ से प्रेशर लगेगा ज़्यादा, तो ये डिस्टॉर्ट कर देगा, इसकी शेप खराब कर देगा, तो इसकी शेप ऐसी हो जाएगी क्योंकि प्रेशर ज़्यादा लग रहा है छोटे से। जब छोटे से प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो ऐसा इंटरफेस बनेगा। आपको ये जो इंटरफेस है इसका रेडियस निकालना है। इमेजिनरी क्या होगा कि अगर आप इसका एक स्फेयर बनाएं, इसको कंबाइन करके स्फेयर बनाएं, उसका रेडियस आर है, वो आर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। गेम सारी प्रेशर की है, छोटे बबल का प्रेशर ये रहा इनसाइड का, बड़े बबल का ये रहा इनसाइड का, तो नेट प्रेशर क्या आएगा, उससे इंटरफेस बनेगा। तो नेट प्रेशर क्या होगा, 40/R, तो दोनों का प्रेशर डिफरेंस विल गिव 40/R, 40 40 40 कैंसिल आंसर। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि दो बबल्स का जो इंटरफेस है उसका रेडियस का ये फॉर्मूला है, ये याद रखेंगे। तो क्वेश्चन में या तो ये ऑप्शन मार्क करने को आएगा, इसका प्रूफ तो आता नहीं है, कोई टेंशन नहीं, ऑब्जेक्टिव मार्क करने को आएगा। या आपको दो रेडियस देगा, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, और आपसे रेडियस पूछेगा, तो न्यूमेरिकल इसमें पुट करके आंसर निकाल देना। इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो दो बबल्स हैं, ये बबल, ये पहला बबल है, ये दूसरा बबल है, ये आपने पाइप के वहाँ फुला रखा है, दोनों पाइप्स को जोड़ दिया, बबल है अंदर, एयर है, एक छोटा बबल है, एक छोटा लेते हैं, एक बड़ा लेते हैं, तो इसका रेडियस छोटा है, इसका रेडियस बड़ा है। जब कनेक्ट करेंगे तो एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी, छोटे से बड़े बबल में कि बड़े से छोटे बबल में? सुनने में लगता है बड़े से छोटा, बड़े में ज़्यादा हवा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि रेडियस इसका छोटा है तो प्रेशर 40/R से प्रेशर इसका बड़ा है, ज़्यादा प्रेशर है इसके अंदर, और रेडियस बड़ा होने की वजह से यहाँ का प्रेशर कम है। एयर मूव फ्रॉम अ हायर प्रेशर टू लोअर, तो रूल है छोटे बबल से बड़े बबल की तरफ जो है वो मूव करेगी। आप घर में ट्राई भी कर सकते हो, स्ट्रॉ ले लो, स्ट्रॉ के वो गुब्बारे ले लो, दो बैलून्स ले लो, एक छोटा बुला लो, एक बड़ा बुला लो, दोनों को ज्वाइन करके देखो और इमीडिएटली छोड़ो, तो छोटे से बड़े की तरफ एयर जाएगी। आप कर भी सकते हो इसे ट्राई। तो व्हेन टू बबल्स आर कनेक्टेड बाय अ पाइप, तो एयर मूव फ्रॉम बबल विद स्मॉल रेडियस टू अ बबल विद अ लार्ज रेडियस, ये रूल है।